एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस YouTube चैनल दया मैथ्स एनएलएस में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है और आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा ये कैसे बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, कह सकते हैं कि ABC, आप चाहें तो कोई दूसरा भी राइट एंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी को 90 डिग्री बना लीजिए और एंगल सी जो दिख रहा है इसको आप थीटा डिग्री मान लीजिए, जहाँ पे थीटा जो है ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका राइट साइड ले लेता हूँ मैं, क्लियर। तो जो राइट साइड का जो रिजल्ट जो दिया गया है ये है 1 + tan² थीटा दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan θ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अभी ध्यान रखना कि टेन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर। तो जो आप थीटा डिग्री लिए हैं, क्लियर, इस थीटा डिग्री के सामने का जो साइड जो दिखेगा ना वो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, लेकिन ये परपेंडिकुलर ए बी जिस पे स्टैंड है वो बेस होगा, तो यहाँ पे आप बेस बी सी या सी बी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेन थीटा का जो रिजल्ट जो ए बी बाई बी सी आया ना इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए 1 प्लस। अब जब इसका जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको ऐसे ऐसे मत लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है ए बी का ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब आप देखोगे कि इसका डिनोमीटर बी सी स्क्वायर है और इसमें बी सी स्क्वायर है नहीं, तो जहाँ पे 1 है, क्लियर, 1 की जगह पे आप चाहें तो बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये लिख देने से ये कट जाएगा और डिनोमीटर बी सी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि दोनों में डिनोमीटर जो है वो सेम हो चुका है, तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर दें। तो जब न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो ये जो रिजल्ट होगा वो होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस जो ट्रेंगल जो मैंने बनाए हैं इसमें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि इस राइट एंगल ट्रेंगल में ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि जो ए सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा है ना इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैंने एक सर्कल में कर दिया है। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो लिखा गया है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और यहाँ हम लोग डाल देंगे क्या, ए सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बाई बी सी लिख करके इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि ए सी है हाइपोटेनस, क्लियर, और बी सी क्या है, बेस है। तो जहाँ ए सी लिखा गया है हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रैकेट में एच डाल दे रहे हैं और बी सी को बी डाल देते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ मैं कि देखो, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप बेस अपान हाइपोटेनस का जब रिलेशन लेते हैं ना, तो ये जो होता है किसको शो करेगा, ये शो करता है कॉस को। लेकिन जब आप हाइपोटेनस अपान बेस का जब रिलेशन लेंगे तो ये शो करता है सेक को। तो जहाँ एच बाई बी लिखा गया है वहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, सेक डाल देंगे। लेकिन चूंकि ये थीटा डिग्री का एक्यूट एंगल यहाँ पे है तो इसे थीटा यहाँ डाल दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी जब इस ब्रैकेट को जब हटाओगे तो ये जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको यही प्रूव करना था, तो मैं राइट साइड लिया था और राइट साइड को लेकर के मैंने सॉल्व किया, तो लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट है सेक स्क्वायर थीटा उसको मैंने ला के आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसका डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें भरपूर मात्रा में और नोटिफिकेशन बेल ऑन करते समय ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सारी मेरी वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहे। और ऊपर जो आई बटन और वीडियोस के एंड स्क्रीन में भी वीडियोस लगी हुई हैं आपके लिए,
तो उसे ज़रूर देखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।